नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्मार्ट न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें किसान के कल के प्लान के बारे में। जी हां, किसानों ने जो है अपनी घोषणा कर दी है कि कल दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे जाम और बीजेपी के कद्दावर नेताओं के घर के सामने होगा प्रदर्शन। साथ ही आपको बताएंगे किसानों ने किन कंपनियों को कहा है पूरी तरह से बहिष्कार करो देश के प्रत्येक नागरिक से। इन तमाम चीजों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो जैसा कि आप जानते हैं, देश में केंद्र में जो बैठी बीजेपी सत्ता है उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और किसान जो है 15 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है। लोगों के मन में अन्नदाताओं के लिए कितना भाव और कितना प्रेम है इस बात का अंदाजा आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के चैनलों पर इनकी खबरें तक नहीं दिखाई जाती। दूसरी तरफ यहाँ पे सोशल मीडिया पे कई लोगों ने जो है मोदी सरकार का जो है घेराव किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी तो वैसे किसानों के हितकारी जो है बनते हैं, लेकिन जब किसान खुद अपने मन की बात लेकर उनसे मिलने जो है दिल्ली आए हैं तो उन्हें जो है रोका जा रहा है और उनके ऊपर आंसू गेले और जो है पानी के फवारे छोड़े जा रहे हैं। तो सरकार के बीच किसानों के बातचीत को जो है कोई हल नहीं निकला, लेकिन किसान अपने आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार को अपने नए नए प्रोग्राम्स को शुरू करने के लिए फुर्सत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन, शिलान्यास सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसको लेकर किसानों ने कहा कि वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, ताकि किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी के जो है कान पे जू रेंगे ताकि वो हमारी मांगों को सुन सके। तो किसानों ने कल कहा है कि दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे जाम और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि जिन्होंने भी जो एक बयान दिया है इस महामारी के दौर में कि किसान आंदोलन के पीछे जो है चीन पाकिस्तान का हाथ है, ऐसे कद्दावर नेताओं के घर के सामने जो है कल किसान जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। तो अमित शाह मोदी जहां पे जनपद है वहां पे तमाम लोग जो है किसान जो है कल के दिन में जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बयान दे दिया है। कृषि कानून के मसले पर किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं दिख रही है। सरकार संशोधनों का हवाला देती है तो किसान कहते हैं कि वो ऐसे काले कानून में संशोधन करना ही नहीं चाहती जो कानून ही गलत हो। किसान अब कानून खत्म करने पर अड़ चुके हैं। किसानों ने जब आंदोलन तेज करने की बात कही और सड़कों से बाद रेल सेवा जाम करने का भी आह्वान किया है, दूसरी ओर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए किसानों पर केस दर्ज होना शुरू कर दिया गया है। अब किसानों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब देश में प्रदर्शन करना और अपने हक की बात करना भी जो है देशद्रोह और उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है। ये वही सरकार है जो पहले कहती थी भाइयों और बहनों मित्रों हम आपके लिए जो है सब कुछ लाएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आज जो है किसानों का ही विकास रोक दिया गया है इस काले कानून से, जैसा कि किसानों का कहना है। उन्होंने कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सम्मान निधि यानी किसान सम्मान निधि की बात करते हैं सीना चौड़ा करके, फिर वो किसानों के इस कानून के बारे में क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ते। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है इस मुद्दे से जो है भटक रहे हैं और लगातार दूसरी खबरों को लेकर गोदी मीडिया के चैनलों पर दिखाया जा रहा है। आज किसान भाई बहनों ने साफ साफ कह दिया है कि वो जो है जितनी भी अंबानी और अडानी की प्रोडक्ट्स हैं, यानी सीधी तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी के बारे में कहा है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स का जो है बहिष्कार किया जाए, चाहे जियो हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, इससे विभाग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का जो है बहिष्कार करने की आह्वान किसान यूनियन के नेताओं ने पूरी देश की जनता के साथ किया है। अब इसका असर क्या होगा ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अन्नदाताओं के लिए देश के हर नागरिक के दिल में जो है दया है और भाव है, यही वही अन्नदाता है जब देश में किसान जो है अपने भूमि पर जो है काम करके लोगों का पेट भरते। 138 करोड़ की जनसंख्या का पेट ये वही किसान जो है जो भरते हैं, और आज जब इनको जरूरत है तो आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप भी अडानी और अंबानी से जो भी प्रोडक्ट्स है उसका बहिष्कार करने में शामिल है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।